Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 8 trigonometry. If sine A is equal to 3 by 4, calculate cos A and tan A. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC. हमेशा ध्यान रखो कि जो ट्रायंगल बनाना है वो राइट ट्रायंगल बनाना है. तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री और हमें गिवन है इफ sin A इज इक्वल टू 3 by 4. sin A इज इक्वल टू 3 by 4 हमें गिवन है. ठीक है, अब sin A का फॉर्मूला क्या होता है? sin A इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, अब क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो परपेंडिकुलर है, जो अपोजिट साइड है वो हो गई 3k एंड ये जो हाइपोटेनस है वो हो गया 4k. इट मींस जो हमारी ये हमारा एंगल ए है तो इसकी अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर ये आ गया हमारा 3k और हाइपोटेनस ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर साइड हो गई और ये हो गया हाइपोटेनस. ठीक है, तो ये आ गया 4k और ये हो गया हमारा बेस एंगल ए के लिए. तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकालेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3k, 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, राइट. देन बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 16k स्क्वायर. देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 16 माइनस 9 7k स्क्वायर और बी इज इक्वल टू आ गया हमारा रूट 7k. मतलब हमारा जो ये बेस है तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास रूट 7k. हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए. ठीक है, कॉस ए और कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट साइड जो है, जो बेस है वो हमारा रूट 7k है तो ये आ गया रूट 7k अपॉन 4k. कैसे k कैंसिल हो गया तो cos a की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 7 अपॉन 4. ये हमारी cos a की वैल्यू आ गई. देन अब हमें निकालना है tan a. तो tan a ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट. परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3k और बेस हमें गिवन है रूट 7k. कैसे k कैंसिल हो गया तो tan a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 अपॉन रूट 7. ये हमारे आंसर हो गए. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट.